जय जिनेन्द्र। आज हम बनाने जा रहे हैं सोया स्टिक्स। सोया स्टिक्स बनाने के लिए हमको चाहिए एक कटोरी सोयाबीन का आटा, आधी कटोरी चावल का आटा, आधी कटोरी बेसन। मसालों में चाहिए धनिया पाउडर 1 चम्मच, सेंधा नमक 1 चम्मच, लाल मिर्ची 1 चम्मच, चुटकी भर काली मिर्ची, जीरा और अजवाइन। अब हम सबसे पहले सभी आटों को एक साथ मिक्स कर लेंगे और उसके अंदर सारे मसाले डाल लेंगे। यहाँ चावल का आटा ऑप्शनल है, अगर हमारे पास चावल का आटा नहीं है तो हम उसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं। अब इसमें हम छोटे 4 चम्मच मोइन डालकर आटे और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पानी की मदद से हम उसको अच्छे से थोड़ा टाइट बांध लेंगे। देखिए इस तरह से आटा बेसन ये पानी सोख लेता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा 10-15 मिनट ढककर रख देंगे और बाद में वापस हाथ से एक जैसा सख्त रोटी से थोड़ा कड़क आटा हम लगा लेंगे। अब स्टार शेप वाली चकली वाली जाली सेलेक्ट करके हम अपनी मशीन को ग्रीस कर लेंगे। अब इसमें हम ये आटा 15-20 मिनट बाद सेट करके रोल बनाकर इसके अंदर मशीन से हम चकली वाली जाली वाला स्टिक्स निकाल लेंगे इस तरह से। इसमें थोड़ा चावल का आटा है, इसलिए हम इसको थोड़ी सी देर ड्राई होने के लिए 10-15 मिनट रख लेंगे। अगर नहीं है तो अपन डायरेक्ट भी तल सकते हैं। अब इसे हम मनचाहे शेप में स्टिक्स में काट लेंगे और फिर हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पर तलेंगे। डालते समय तेल थोड़ा गर्म होना चाहिए, बाद में हम आंच को थोड़ा मध्यम कर देंगे। इस तरह हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पलट कर तल लेंगे। गोल्डन ब्राउन हमारी सोया स्टिक्स हो गई है। अब हम इन्हें निकाल कर इसके ऊपर थोड़ा सा जीरावन पाउडर और अमचूर पाउडर डाल लेंगे। हमारी तैयार है टेस्टी हेल्दी सोया स्टिक्स।